वुमेन चेंज मेकओवर द ईयर की खिताब से सम्मानित डॉक्टर उमा कुमरे पड़ते। सकारात्मक बदलाव की ओर सशक्त नारी के कदम। चेंज मेकर तभी संभव है जब आप कोई समस्या देखते हैं, फिर समाधान का हिस्सा बनने का साहस करते हैं। इस यात्रा को अपनाने का मतलब है अपने भीतर परिवर्तन को बढ़ावा देने की क्षमता को पहचानना, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो। ऐसे ही एक यात्रा पर पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर उमा कुमरे पढ़ते। ऐसी ही एक यात्रा पर पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर उमा कुमरे पढ़ते ऐसी ही एक सफल यात्रा का उत्कृष्ट उदाहरण है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में एशिया के 40 देशों से नामांकित विभिन्न क्षेत्रों से अग्रणी काम करने वालों को सम्मानित किया गया। ग्लोबल एम्पायर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भोपाल की डॉक्टर उमा कुमरे पढ़ते को वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। डॉक्टर पढ़ते ने बताया कि इसका श्रेय सभी महिला पशु चिकित्सकों को दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समूचे मध्य प्रदेश की महिला पशु चिकित्सकों का गौरव बढ़ाता है। एक अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, क्या था पूरा, किस कैटेगरी में और आपको मिला यह? जी, ये ग्लोबल इवेंट का एक साउथ एशिया का कार्यक्रम था जिसमें लगभग 12 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था और मध्य प्रदेश से इसमें 2 लोगों का नामांकन था। जो मेरा नामांकन था वो था वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2024 के लिए और इसमें पशुपालन उद्यमिता सेक्टर में मैंने नामांकन अपना भेजा हुआ था। इस तरीके के अवार्ड जो दिए गए हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडिया से और मध्य प्रदेश में से कितने लोग थे? इसमें लगभग 160 से अधिक महिलाएं जो विभिन्न सेक्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर्स और चेंज मेकर लीडर्स, ये सभी शामिल थी और भारत से लगभग 50 से 60 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी और मध्य प्रदेश से हम 2 लोगों का नामांकन इसमें सिलेक्ट किया गया था। कैसा लगा आपको ये अवार्ड पाकर? ये जो इस तरह के जो अवार्ड फंक्शंस हैं वो महिलाओं के जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसको रिकॉग्नाइज करते और कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं को ऐसे कार्यक्रम आगे और काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं और इस तरह के मंच और ऐसे जो पुरस्कार हैं वो और भी महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो अधिक से अधिक अपने सेक्टर में आगे बढ़कर काम करेंगे। देश में अवार्ड मिलना और एक विदेश जो है वहां से आपका नाम आना, कितना बड़ा चैलेंज था आपका इसमें पार्टिसिपेट होने में? ये जो प्रक्रिया थी लगभग 1.5 से 2 महीने लगे इसमें और इसमें प्रथमतः जो मैंने अपना नामांकन भेजा था पशुपालन उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए कंसल्टेंसी हेतु भेजा था क्योंकि पशुपालन अपने आप में एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है और यहाँ पे हमेशा से पुरुषों का वर्चस्व रहा है और जब हम बिजनेस उद्यमिता और कमर्शलाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए और भी अपने आप में कठिन काम हो जाता है क्योंकि मैं मानती हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट था एक नारी सौ पर भारी वो हम सभी लेडी वेटरनेरियंस महिला पशु चिकित्सकों पर सटीक बैठता है क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे महिलाएं अपने साहस और बुद्धिमत्ता के साथ आती है और हम सभी ये कोशिश करती हैं कि हम सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए अपना योगदान दे सकें क्योंकि पशुपालन एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा विधा है, एक ऐसी उद्यमिता है जो लगभग पिछले 10 सालों में 7% की दर से उठने वाला मार्केट रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट सीन सिनेरियोस में इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस अगर आप देखेंगे तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो देश की जीडीपी में 4% का योगदान करता है और जो हमारे कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान करता है तो आने वाले समय में पशुपालन उद्यमिता को देखते हुए और इसमें बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए और अधिक से अधिक महिलाओं का इसमें आना अपेक्षित है और मैं समझती हूँ कि हम महिलाओं के लिए पशुपालन अपने आप में एक बहुत अच्छा रोजगार है क्योंकि बीइंग अ वुमेन हम में जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचरिंग मदर इंस्टिंक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमको नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पशुपालन से जुड़े व्यवसाय में और उसकी समझ में और अधिक सहायता। किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे आप? मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ ग्लोबल इवेंट का और जी बिजनेस टीवी का, इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म एक रेखांकित किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम सभी महिलाएं अपने अपनी विधा में अपने अपने क्षेत्रों में आगे आई हैं और इस तरह के कार्यक्रम और किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं की जो भूमिका है भारत के अपलिफ्टमेंट में, आत्मनिर्भर भारत में, उसको और अधिक रेखांकन किया जाए। नाम बता दीजिए। मैं सर डॉक्टर उमा कुमरे पढ़ते, आई एम एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट और मैं पशुपालन उद्यमिता में कंसल्टेंसी का काम भी करती हूँ।